फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आशिमा गोयल फ्रॉम परीसा स्किन कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर चंडीगढ़। आज हम बात करेंगे एक्ने स्किन केयर टिप्स के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो एक्ने से सफ़र कर रहे होते हैं। आजकल एक्ने की कोई एज नहीं है, हम आजकल 8 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स 50 ईयर्स तक भी एक्ने के पेशेंट्स देखते हैं। हर एज ग्रुप में डिफरेंट रीज़न है, हार्मोनल इम्बैलेंस या प्यूबर्टल चेंजेस, 25 की एज पे थोड़े से हार्मोनल एक्ने हो रहा है, या फिर आपने इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले लिया तो हो गया। लाइक यंग बॉयज़ बहुत आते हैं जो वे प्रोटीन्स खा रहे हैं या टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगवा रहे हैं या टैबलेट्स खा रहे हैं या फैट गेनर ले लिया, बर्नर ले लिया, मास गेनर ले लिया। दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एक्ने। तो हमें कारण ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड 40 की एज में जैसे फिर अगेन हार्मोनल एक्ने, कोई आपने कोई डिसमेनोरिया हो रहा है, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू है, आपके आपने कोई मेडिसिन खा लिया उसकी वजह से पीरियड्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप कोई एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हैं उसकी वजह से एक्ने हो रहा है, तो किसी भी एज ग्रुप में एक्ने हो सकता है। लाइक वी रिसेंटली हैड अ पेशेंट जो 50 ईयर्स के थे, उनको एक्ने हो रहा था, ही वॉज डायबिटिक, ही वॉज ऑन फ्यू मेडिसन्स, तो सब एंटी डिप्रेसेंट्स जिसकी वजह से एक्ने हो रहा था। तो कारण ढूंढना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम एक्ने की बात करते हैं। अब हम बेसिक स्किन केयर डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे एक्ने के। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, वी टेल देम कि उनको हेयर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग घर का पेड़ का एलोवेरा तोड़ के लगा रहे होते हैं, कोई बेसन लगा रहा होता है, कोई चने की दाल पीस के लगा रहा होता है। देन बहुत सारे पेशेंट आके कहते हैं, हमारी फ्रेंड ने बोला कि गार्लिक मिंस करके लगा लो, कोई फटकड़ी एलम लगा के आता है। तो इन चीज़ों से एक्ने वाली जगह पे बर्न हो जाता है और उसको निशान को ठीक करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने फ्रेंड्स के, पार्लर वाली आंटी के, दीदी के कहने पे आप ये सब टिप्स ना करें तो आपकी स्किन ज़्यादा अच्छी रहेगी। फिर कुछ चीज़ें जैसे हम वे प्रोटीन, फैट गेनर, बर्नर ये सब मना करते हैं। आप पार्लर में कोई भी क्लीनअप या फेशियल ना लें, उससे भी पोर्स ब्लॉक होते हैं। आजकल रूम्स में सब लॉकडाउन है, लड़कियाँ पीजीज में रहती हैं, तो दे आर डूइंग मुल्तानी मिट्टी, बेसन, बहुत कुछ लगा के देन दे एग्रेवेट द एक्ने एंड देन दे सडनली कम टू अस कि मैम ये तो एक्ने बारीक बारीक दानों से सारा भर गया है। देन हेयर ऑयलिंग नहीं करनी। इस लॉकडाउन में बहुत लोगों ने हेयर ऑयलिंग की, उसकी वजह से सारी फेस की साइड पे, जॉ लाइन पे बहुत बारीक बारीक दाने हो गए और लोग एकदम से भागे आए कि रेड हो रहा है मैम, रैशेज हो रहे हैं, ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है, और हम एकदम से दानों से भर गए। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। पार्लर फेशियल्स नहीं करने हैं बिल्कुल भी। अगर आपको कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें, आप उनके पास, हमारे पास बहुत सारे फेशियल्स, अब जो मेडिकल फेशियल्स हैं वो अवेलेबल हैं, जो इन चीज़ों को एग्रेवेट नहीं करते, रादर आपके निशान भी ठीक करते हैं, दाने भी ठीक करते हैं। देन हमारे पास कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। सपोज आपका बच्चा छोटा है, लाइक हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनका, जिनके बच्चे छोटे हैं, दे डोंट वॉन्ट कि हमें डॉक्टर खाने वाली दवाई नहीं देनी, बच्चा छोटा है तो हम चाहते हैं कि सिर्फ लगाने वाला ट्रीटमेंट हो ताकि हमारा बच्चा सेफ रहे। अभी तो इसको ग्रो करना है, अभी तो ये 12 साल का है, हमें खाने वाली दवा नहीं देनी। तो वी हैव नाउ वेरी स्पेशलाइज्ड किट्स फॉर एक्ने पेशेंट्स, इन बच्चों के लिए खासकर, जिसमें हम आपको एक फेस वॉश देते हैं, एक मास्क देते हैं, एक स्क्रब देते हैं, एक लोकल मॉइस्चराइजर देते हैं, एक्ने जेल देते हैं, सनस्क्रीन देते हैं, एक नाइट जेल देते हैं जिससे निशान न रहें। बेसिकली इस एज में क्या होता है, बच्चे अपने बारे में कॉन्शियस हो रहे होते हैं, दे आर ग्रोइंग अप, प्यूबर्टल एज है, तो उनको एक ये थोड़ा सा इशू रहता है कि हाँ मैम हमें ना निशान नहीं चाहिए। तो मेरे क्लास में बच्चे बोलते हैं ये निशान क्यों है, ये खड्डे पड़ रहे हैं, ये तुम्हारा फेस स्पॉयल हो रहा है, तो इन चीज़ों को लेके दे आर टू कंसर्न। तो इसको लेके हम, वी हैव मेड स्पेशल किट्स, तो यू कैन पिक दोज किट्स फ्रॉम द क्लिनिक एज वेल कि आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए। सो इस तरीके से हमारे पास कई एडवांस ट्रीटमेंट्स भी हैं। कई पेशेंट्स आते हैं कि बहुत खड्डे हैं मैम, 10 साल पुराने हैं, कोई कहता है 5 साल पुराने हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द एक्ने स्कार्स ऑल्सो वी हैव डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल फॉर देम। सो देर आर पील्स, देर आर नैनोपोर, लेजर्स, देर आर एन नंबर ऑफ एडवांस ट्रीटमेंट्स विद अस विच वी डू फॉर एक्ने स्कार पेशेंट्स। सो आपको उन स्कार्स इसके लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास विजिट करना है, कंसल्ट करना है, सो दैट हम आपके स्कार्स देख के आपको गाइड कर सकें कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा। अब कुछ लोग फ़ोन पे पूछते हैं कि फ़ोन पे बता दें, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू काउंसलिंग फॉर एक्ने स्कार्स ऑन फोन।
क्योंकि हमने आपको देखा नहीं है, फिर हमें आपका जॉब प्रोफाइल नहीं पता, फिर हमें आपका ये नहीं पता कि आपका सन एक्सपोजर कितना रहता है. सो डिफरेंट प्रोसीजर्स आर डन एज पर द नीड ऑफ सन एक्सपोजर. आपका कितने दिन आप ऑफ ले सकते हो, कितना डाउन टाइम आप अफोर्ड कर सकते हो, आपका बजट क्या है. सो वी कस्टमाइज द ट्रीटमेंट प्लान. सो यू हैव टू विजिट अस सो दैट वी कैन कस्टमाइज योर ट्रीटमेंट प्लान, वी कैन गाइड यू बेटर एंड वी कैन एनहेंस एंड इम्प्रूव योर स्किल. So I hope you will like these tips and you will visit us soon for your all your skin concerns or your hair concerns or your nail concerns. We deal with oral treatments also, like you have some ulcer on the lip, you have some hair condition, you have nail issues, you have some fungal infection. So we are dealing with all the skin concerns along with your कॉस्मेटिक कंसर्न. अगर आप हमारे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सकते हैं, और यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक और आर यूट्यूब चैनल ऑल्सो, और यू कैन कंसल्ट विद अस वाया बुकिंग एन अपॉइंटमेंट ऑन हेल्थ फाइंडर टू. थैंक यू.